Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Saleem. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss scale 3.9 and scale 3.10. We use our previous knowledge of diet and fitness to solve this task and to achieve this scale. So in order to start our lecture, let's before starting our lecture, let's revise the previous knowledge. Quickly tell me that how does regular physical activity contribute to the overall health and fitness? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक स्किल को अचीव करेंगे और इस स्किल को आप इजीली ओपन कर सकते हैं बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड दैट इज पेस्टेड ऑन योर बुक और आपको इस तरह की शीट मिलेगी. तो इस शीट को सॉल्व करने के लिए आपको इन सिनेरियोस को रीड करना पड़ेगा और रीड करने के बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं. ओपिनियन के अलावा आप अपने ओपिनियन को अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर भी कर सकते हैं और जहां पे आपको लगे जरूरत है वहां पे आप कोई भी अल्टरनेट सॉल्यूशन भी दे सकते हैं. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस स्किल शीट. वेरी गुड. अब हम वेरीफाई करते हैं कि आइदर हमने स्किल शीट को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया या नहीं. हमारे पास सिनेरियो वन है कि सारा क्लासमेट ऑफन ड्रिंक शुगरी स्नैक्स टू स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास जो शुगरी स्नैक है ये बैलेंस डाइट में या हेल्दी डाइट का हिस्सा नहीं है. एंड दे टीज हर फॉर ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और वो उसको टीज करते हैं ताकि वो जब वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एज ए डाइट इस्तेमाल करती है तो उसको टीज किया जाता है. सो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हीं स्नैक्स को बाय करना शुरू कर दिया. तो आपके अकॉर्डिंग इसका अल्टरनेट सोल्यूशन या आपके अकॉर्डिंग आपका ओपिनियन इस पे क्या होगा? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हम ईटिंग अनहेल्दी स्नैक जस्ट टू फिट इन कैन बी बैड फॉर हेल्थ. हम जानते हैं कि जो शुगरी स्नैक्स होते हैं या दूसरे स्नैक्स वगैरह होते हैं ये हमारी डाइट के लिए अच्छे नहीं होते. दैट कैन, ये हमारी डाइट के ऊपर बैड इंपैक्ट डालते हैं. इसीलिए सारा को चाहिए कि वो अपनी दोस्तों के अंदर फिट होने के लिए सिर्फ अपनी इस डाइट को चेंज मत करे, बिकॉज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट. नेक्स्ट सिनेरियो है हमारे पास कि अहमद फैमिली हैज अ ट्रेडिशन ऑफ ईटिंग लार्ज हैवी मील्स फॉर डिनर. सबसे पहले तो हम हैवी मील्स डिनर के अंदर नहीं लेते और अब उसने अपनी इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखते हुए वो भी इस चीज में शामिल होता है, बट आफ्टर वर्ड ही फील्स अनकंफर्टेबल. सो डियर स्टूडेंट्स, अहमद को चाहिए कि वो या तो स्मॉलर पोर्शंस खाए उन फूड का या फिर अपनी डाइट के अंदर उनका उनकी रिप्लेसमेंट करके लाइटर मील्स को शामिल कर ले सो दैट वो अनकंफर्टेबल फील ना करे और अपने ट्रेडिशन को भी अलाइव रख सके. नेक्स्ट हमारे पास है सिनेरियो नंबर 3 के अ फेमस एथलीट प्रमोट अ सर्टेन ब्रांड ऑफ एनर्जी ड्रिंक. हमारे टीवी के ऊपर बहुत सी ऐसे एड्स आते हैं जो कि किसी भी एनर्जी ड्रिंक या किसी भी स्नैक से रेलेवेंट होते हैं. तो एक फेमस एथलीट उस ब्रांड को प्रमोट करता है और मैंने स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ उस ब्रांड को देखकर उस एथलीट को फॉलो करते हुए उन एनर्जी ड्रिंक्स को लेना परचेज करना शुरू करते हैं. तो हमारे नजदीक इसका सोल्यूशन ये होगा कि सिर्फ एक एथलीट को इसीलिए कॉपी करना कि वो एनर्जी ड्रिंक पीता है और उसको फॉलो करते हुए हम उस जैसी हेल्दी बॉडी या हेल्दी डाइट लेंगे तो दैट इज रॉन्ग. हमारे पास वो हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होते और एनर्जी ड्रिंक्स आर रियली वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडीज एंड दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट. सो इसीलिए हमें किसी भी एथलीट को फॉलो करते हुए किसी भी ब्रांड के या किसी भी एनर्जी ड्रिंक से परहेज करना चाहिए, उनको अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो नंबर 4. मरियम्स फैमिली लिव्स इन अ नेबरहुड विद लिमिटेड एक्सेस टू ग्रोसरी स्टोर दैट सेल फ्रेश प्रोड्यूस. यानी मरियम की जो फैमिली है वो ऐसे एरिया में रहती है जहां पे फ्रेश रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स की वो मुश्किल है और दैट्स व्हाई दे रिलाई ऑन फास्ट फूड रेस्टोरेंट बिकॉज दे आर मोर एक्सेसिबल. इसीलिए वो ज्यादातर उनका जो इन्हिसार है वो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पे होता है. तो अब हमारा ओपिनियन इस पे ये है कि मरियम की फैमिली को कम्युनिटी गार्डन्स या कुछ फूड प्रोग्राम्स इस तरह का कोई सिलसिला शुरू करना चाहिए ताकि वो फास्ट फूड पे उनका इन्हिसार कम से कम हो सके. या इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन हमारे पास ये भी हो सकता है कि मरियम की फैमिली को चाहिए कि वो अपने गार्डन के अंदर खुद फ्रेश वेजिटेबल्स को ग्रो करवाए और उनका इस्तेमाल करे.
नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो नंबर 5 है कि जुनैद फैमिली हैज अ कल्चरल सेलिब्रेशन दैट इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग हेल्दी एंड हाई कैलोरी ट्रेडिशन. इट इज जस्ट लाइक द सिनेरियो दैट वी जस्ट डिस्कस्ड बिफोर कि हमारे पास एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसके अंदर हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम किया जाता है. तो ही फील्स ऑब्लिगेटेड टू ईट दीज फूड्स इवन थो दे आर नॉट हेल्दी. वो इन चीजों को खाता है लेकिन वो जानता है कि हमारे पास ये चीजें की डाइट हेल्दी नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन हमारे पास जुनैद को इंजॉय करना चाहिए बट इन अ बैलेंस वे सो दैट वो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख सके और अपने ट्रेडिशन को भी अलाइव रख सके. और ये मॉडरेट हिसाब से इसको इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. एक्सेस ऑफ हाई कैलोरी फूड इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो नंबर 6. द सीयर सीज एडवर्टीजमेंट फॉर शुगरी सीरियल्स ऑन टीवी एवरी मॉर्निंग एंड ही आस्क्स हिज पेरेंट्स टू बाय दिस सीरियल्स. और उसके पेरेंट्स उसको उसकी बात मानते हुए उसको वो सीरियल्स परचेज कर देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू यू टेल मी दैट व्हाट शुड बी द अल्टरनेट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है वो ये है कि उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस कंसीडर करनी चाहिए बजाय इसके कि वो शुगरी सीरियल्स को ले जो जो कि एडवर्टाइज्ड किए जा रहे हैं. और उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी हेल्दी डाइट को मेंटेन रखें बजाय इसके कि उसकी बात मानते हुए उसको उन सीरियल्स को परचेज करके दें. नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो नंबर 7. Iman school has a vending machine filled with chips and sodas. As we know again that chips and sodas are not a part of healthy diet, so it is easy for her to buy these snacks with a vending machine. So she chooses them over healthier option. So dear students, हमारे पास जो अल्टरनेट ऑप्शन है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि मरियम को ईमान को चाहिए कि वो अपने घर से हेल्दियर स्नैक्स को लेकर आया करे बजाय इसके कि वो वेंडिंग मशीन से चिप्स या सोडा की कंजम्पशन को ज्यादा करे. नेक्स्ट है हमारे पास सिनेरियो नंबर 8. अली फॉलो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हु प्रमोट ट्रेंडी डाइट एंड एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शंस. आपको किसी भी प्रोफेशनल डाइटिशियन से रिकमेंडेशन लिए बगैर कोई भी डाइट फॉलो नहीं करनी चाहिए ना ही किसी किस्म की स्ट्रिक्ट फूड रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना चाहिए. तो इस केस के अंदर अली को चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट करे. उसके बाद अगर वो अपनी डाइट के अंदर कुछ भी चेंजिंग लाना चाह रहा है कोई भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना चाह रहा है तो वो कर सकता है लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ अ प्रोफेशनल डाइटिशियन. उसके बगैर सिर्फ देख कर उस चीज को फॉलो करना कैन बी बैड फॉर हेल्थ. नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो नंबर 9 है कि इशारत मॉम लव्स टू कुक रिच हाई फैट मील्स फॉर द फैमिली एवरी डे. और इशार उनको हर्ट नहीं करना चाहती इसीलिए उनका फूड खाती है. तो हमारे नजदीक इसका ओपिनियन इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वो अपनी मदर से कह सकती है कि मैं जो हूं लाइट फूड को प्रेफर करूंगी और इस तरह बात करें कि ताकि उनकी तो वो हर्ट भी ना हो और वो लाइटर मील्स को भी कंज्यूम कर सके ताकि वो इजीली अपने खाने को खा सके और इंजॉय कर सके. नेक्स्ट एंड लास्ट सिनेरियो है हमारे पास सिनेरियो नंबर 10 दैट रुस्तम्स फैमिली इज ऑन अ टाइट बजट सो दे ऑफन बाय लो कॉस्ट प्रोसेस्ड फूड्स. अगेन फ्रेश फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो लो प्रोसेस्ड फूड है इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एज कंपेयर टू द फ्रेश फूड. सो रुस्तम की फैमिली को चाहिए कि वो बल्क में ग्रेन्स को या फ्रेश वेजिटेबल्स को परचेज करें ताकि अपने बजट के अंदर रहते हुए वो हेल्दी डाइट को कंज्यूम कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. ये वो तमाम सिनेरियोस हैं जिनको अभी हमने डिस्कस किया. आपका ओपिनियन हमारे ओपिनियन से डिफरेंट भी हो सकता है तो डू शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लास फेलोज एंड योर टीचर्स टू. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रिवाइज अवर दिस चैप्टर एंड वी विल रिवाइज द की कंसेप्ट्स दैट वी लर्न्ड. So inshallah we will discuss it in the next lecture. So take care of yourself. Thank you very much and Allah Hafiz.